स्टूडेंट्स, मायसेल्फ विपिन वर्मा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट लेक्चर जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड था नहीं देखा है, प्लीज जाकर इसको देखिए। उस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पे बात करी थी। एक इंपॉर्टेंट बात कूलम्स लॉ के लिए ये थी कि ये सिर्फ पॉइंट साइज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, हैवी चार्ज के एप्लीकेबल नहीं है, जो इसकी लिमिटेशन भी है। हमने देखा था दो चार्जेस अगर वो डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, वो डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर। अभी बात भी जानते हैं, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि मैं जानता हूं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसकी अपनी डायरेक्शन होगी, इसीलिए आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बात ध्यान रखें मेरे बच्चों, जब बात किसी क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म में की जाती है तो ईच एंड एवरी टर्म की अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और अगर मैं फॉर्मूले को रिकॉल करूं तो फॉर्मूले में दो टर्म वेक्टर क्वांटिटी में आती है, एक फोर्स और दूसरा उसके बाद चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट। बोथ आर, हम सब जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। उन्हीं के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। और मेरे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एक सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो लगभग 50-60% स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, उसको ही हाईलाइट करके एक्सप्लेन करूंगा और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। प्लीज, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम जानते हैं बच्चों, मैंने मान लिया मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और हां जी Q2 नाम के, अगेन पॉइंट साइज के हैं, जो पोजीशन ए और पोजीशन बी पर प्लेस्ड है। मैंने इनको लाइक चार्जेस कंसीडर करा है, आप अनलाइक भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने दो चार्जेस को सेम साइन का माना है तो ऑब्वियसली लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, इसीलिए दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। मैंने मान लिया व्हिच इज F12, व्हिच इज अ वेक्टर फॉर्म। क्या मतलब है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन पे दो की वजह से लगाया गया फोर्स। और मेरे बच्चे उसी प्रकार से दैट इज अ F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दैट इज अ F21। और हर बच्चा जानता है यार, अगर किसी टर्म में फोर्स लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है अपनी। तो मेरे बच्चों, अगर मैं ऑब्जर्व करूं, अगर चार्ज वन से टू जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का नाम मैंने क्या रख दिया? R12। ध्यान से बच्चों, वन से टू तो R12, एरो आपके सामने है, वन से टू जा रहा है। और मेरे बच्चों, अगर टू से वन डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उसका नाम क्या रख दिया मैंने? R21। इतना दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं इस बच्चे को, एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब क्योंकि मैं जानता हूं फ्रॉम फिगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रॉम फिगर हो क्या रहा है इसमें, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज कौन सा? टू ऑन वन, टू के द्वारा वन पे लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स कौन सा है? F12। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो मेरे बच्चों F12, क्योंकि क्या है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म है तो इसीलिए वेक्टर साइन, ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, हमेशा याद रखना, जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो हमेशा उसके साथ एक यूनिट वेक्टर इंसर्ट किया जाता है, एंड व्हिच इज किसका यूनिट वेक्टर होगा? डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने लगा दिया आर के ऊपर क्या है, बट अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि वो आर कौन सा होगा, 1-2 वाला कि 2-1 वाला। यही आप लोगों की मेरे बच्चों सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चों को नहीं पता चल पाता कि भैया 1-2 आएगा या 2-1 होगा। बड़े ध्यान समझना बच्चे, एक बड़े आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगता है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे किसका फोर्स निकालना है? F12। F12 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, देख के बताना 1-2 वाला कि 2-1 वाला। हर बच्चे को दिख रहा है 2-1 वाला, आप देख सकते हैं 1-2 और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों इसीलिए अपने आप क्या लिख दूंगा यहां पर मैं? 2-1। और आप सभी यहां पर जानते हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं पूरा तरीके से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू व्हाट? इसको यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है?
वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा है 2 1, तो लगाया मैंने 2 1, और सबको पता है यहां क्या आ गया इसका मॉडुलस। मेरे बच्चों जब यहां इसका मॉडुलस आ गया है तो सबको पता है आर पे अगर वेक्टर है और अगर आपने उसका मॉडुलस ले लिया है तो उसका मतलब वेक्टर वाली टर्म गायब हो गई, सिर्फ क्या बाहर आएगा आर। तो मेरे बच्चों इसलिए यहां सिर्फ क्या लिख रहा हूं डायरेक्ट में आर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखता हूं 1/4 pi epsilon naught, हां जी Q1 Q2 by r square into r cube, ठीक है, into what r21, और ये हमारा वेक्टर कैप हट चुका है, ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप सबको पता है, वेक्टर कौन उसका मैग्नीट्यूड, तो उसके अकॉर्डिंग ही r21 आपके सामने आ गया, और ये फोर्स कौन सा है f12 का। मेरे बच्चों आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एज्यूम दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आगे देखते हैं हम, क्योंकि f12 आपको मिल चुका है, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। Similarly, force exerted by charge 1 on charge 2, force exerted by charge 1 on 2, obviously vice versa was karna, to theek hai, the force kaun sa hai sabko pata hai F21, force on 2 due to 1, which is again formula 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square into r cap। आप सबको पता है जो लाइन मैंने आपको बोली थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आप सब देख पा रहे हैं 2 1 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, 1 2 वाला। मेरे बच्चों अपने आप यहां पर क्या आ गया 1 2। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square into what R12 अपॉन R, डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझ गए होंगे आप लोग, एक्सप्लेनेशन दिया था यहां पर मैंने, गुड। आगे देखते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube into what R12। मेरे बच्चों क्योंकि आप जानते हो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो जो नेट फोर्स होगा हर बच्चे को पता होगा उनका सम क्या होगा बच्चों, जीरो। तो F12 प्लस F21 बिकम जीरो, और ऊपर लगेगा वेक्टर, इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्यों? वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, बात आप जानते हैं, तो वो जीरो वेक्टर है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन जो ये है और फर्स्ट सेकंड दोनों की वैल्यूज अगर मैं इनमें पुट कर दूं तो क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मेरे बच्चों वी गेट, आप क्या देख पा रहे हैं जी, अगर मैं इन सबको पुट करूंगा तो डायरेक्ट देखना बच्चों, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r क्यूब, हां जी पहले में क्या था R21, और अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख लिया F-12, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां पर आ गई 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r क्यूब इंटू वॉट R1 और 2, सारी टर्म्स आप देख पा रहे हैं कैंसिल हो रही है, तो आपको सिर्फ यहां से क्या मिल गया R12 इज व्हाट -R21। वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या गेस कर सकते हैं कि ये जो चीज आई है मैं क्या एक्सप्लेन कर रही है, हर बार की तरह अगेन मेरा विशेष ज्ञान, ये कुछ और नहीं न्यूटन का थर्ड लॉ है बच्चों। कैसे? फॉर एवरी एक्शन प्लीज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, तो यहां से कंक्लूजन निकल सकता है, हेंस कोलंबियन फोर्स ओबेज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ। द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उम्मीद करता हूं एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो वीडियो देख रहा है शायद उसको ये ना समझ में आया हो, आई होप एक एक बच्चे को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे स्टूडेंट्स, मेरा मोटिवेशन ऐसे ही अप करने के लिए आप हमारे ईच एंड एवरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों।